हेलो दोस्तों, आज की कहानी है पत्नी की गलत फहमी। चलो दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हमारा हर नया वीडियो। अरे बुआ जी, आप चिंता क्यों करती है? उमंग मेरी छोटी बहन है, मैं हूँ ना यहाँ उसका पूरा ख्याल रखूंगी। मुस्कान ने फोन पर अपनी बुआ को आश्चर्य देते हुए कहा। मुस्कान बेंगलोर में अपने पति उदय और अपने 3 साल के बेटे महक के साथ रहती थी। उदय एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। मुस्कान अपनी छोटी सी गृहस्थी में बहुत खुश थी, आखिर हो भी क्यों ना। उदय जैसा प्यार करने वाला पति जो मिला था उसे। सुनिए उदय, आज मेरी बुआ का फोन आया था, उनकी बेटी उमंग का यहाँ किसी कंपनी में जॉब लग गया है। बुआ बहुत फिक्र कर रही थी, अकेली लड़की है कैसे सब मैनेज करेगी। मैंने बोल दिया कि हम है ना, तो परेशान होने की क्या बात है, सही किया ना? मुस्कान ने कहा। हाँ बिल्कुल सही किया, उदय ने अपने लैपटॉप पर नजर गड़ा कर कहा। आपने सुना कि मैंने क्या कहा? मुस्कान ने उदय के पास बैठते हुए कहा। हाँ मिसेस उदय मिश्रा, मैंने अच्छे से सुना, और आज तो तुम इस लाल साड़ी में कहर ढा रही हो। उदय ने रोमांटिक होते हुए गले लगा लिया तो मुस्कान शर्मा गई। तभी पीछे से मोहक की आवाज आ गई। मम्मा, ये हमारे लाडले साहबजादे हमेशा रॉन्ग टाइम पर ही क्यों एंट्री मारते हैं? उदय ने कहा तो मुस्कान खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या हुआ बेटा? मुस्कान ने कहा। मम्मा नीनी नहीं आ रही हैं, अभी मेरे सपने में बड़ा सा क्रोकोडाइल देख लिया था, आप मेरे साथ सो जाओ ना प्लीज, मोहक ने मासूमियत से कहा। उदय ने थोड़ा सा मुंह बनाया और मुस्कान अपनी मुस्कान बिखेरती हुए मोहक को सुलाने ले गई। सुनिए आज उमंग घर पर आ रही है, मंडे से फ्राइडे तो वो पीजी में रहती है। मैं सोच रही हूँ कि वीकेंड पर उसे यहीं बुला लेते हैं, मुस्कान ने कहा। पर हम तो आउटिंग पर जाने वाले थे ना, उदय ने कहा। तो क्या हुआ, उमंग साथ चलेगी ना? मुस्कान ने कहा। रात को जब उदय घर पर आया तो मोहक के खिलखिलाने की आवाज आ रही थी। अंदर मोहक उमंग के साथ खेल रहा था। देखो पापा, मौसी मेरे लिए नई कार लाई है, मोहक ने उदय को कहा। उमंग ने उदय को नमस्ते किया और दोनों के बीच फॉर्मल बात सीत हुई। उदय तुम्हें पता है ना, उमंग बचपन से ही पढ़ाई और स्पोर्ट है दोनों में होशियार है। बेड मीटिंग के लिए तो इसने नेशनल में क्वालिफाई कर लिया है। यह पनीर की सब्जी खाओ, उमंग ने बनाई है, हमारे पूरे घर में फेमस है इसके हाथ की पनीर की सब्जी। मुस्कान ने कहा। वाह, अब तो तुम्हारी दीदी इतनी तारीफ कर रही है, खानी पड़ेगी। उदय ने कहा तो उमंग थोड़ा सा जेब गई। सच में उमंग, मानना पड़ेगा तुम क्या कॉर्पोरेट में अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, तुम तो सेफ बन जाओ। उदय ने कहा तो उमंग हंस पड़ी। नहीं नहीं, ये रोज कुकिंग का शक्कर मुझसे नहीं होता, बस कभी कभार बना लिया काफी है, उमंग ने कहा। उस वीकेंड उमंग भी उन लोगों के साथ घूमने गई। मौक के भी उमंग से बहुत घुल मिल गया था। उमंग अकेली थी तो वीकेंड पर चली जाती। मुस्कान की भी इस शहर में बहुत कम दोस्त थे। उमंग के आने से उसे सहेली की कमी नहीं खलती, वह उदय भी उमंग के मजाकिया स्वभाव का कायल हो गया। क्या कहा, मम्मी को आईसीयू में एडमिट करवाया है? मुस्कान के चेहरे पर पसीने की बूंदे आ गई, उसने उदय को बताया। वीकेंड था तो उमंग भी वहीं आई हुई थी। दी आप अभी फ्लाइट से निकल जाइए, और हाँ मौक की चिंता मत कीजिए, मैं उसे देख लूंगी। वैसे भी मंडे को ऑफिस में कुछ खास काम नहीं है, मैं ऑफ ले लूंगी, उमंग ने कहा। उमंग मौक से इतनी गुल मिल गई थी कि मौक उमंग से ही सिपका रहता, यहाँ तक कि रात को भी उसके पास सो जाता और उमंग भी बच्चे के साथ बच्ची बन जाती। उदय ने उसकी फ्लाइट की टिकट बनवाई और वो जल्दी ही अपनी माँ के घर पहुँच गई। माँ हार्ट की मरीज थी, हल्का अटैक था, और भगवान का शुक्र था कि कुछ नहीं हुआ। दीदी आप मौक को साथ नहीं लाई, जीजा जी संभाल लेंगे, मुस्कान की भाभी ने कहा। उमंग है ना वहाँ, मौक तो उससे बहुत घुल मिल गया है, बहुत प्यारी है उमंग, वो रहती है तो मेरा पूरा सहारा हो जाता है।
और खाली घर भी कसूटता नहीं। मुस्कान ने कहा तो बाबी के चेहरे के भाव बदल गए। दीदी, ऐसे किसी पर आंख बंद कर कर भरोसा नहीं करना सही है। वैसे भी आज की लड़कियां बहुत तेज तरार होती हैं। भाभी उठी और सल दी। यह भाभी भी ना न जाने क्या सोचती हैं। मुस्कान ने मन ही मन कहा। सोमवार को मुस्कान वापस बेंगलोर पहुंच गई। मोक स्कूल था, उदय ऑफिस गए थे और उमंग हॉल में बैठी थी, अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। अरे दी, आप आ गई। मुस्कान सोफे पर बैठी तो उमंग फट से साए बना लई। कैसी है मामी जी? अब उमंग ने कहा, बस ठीक है, शुक्र है। अटैक था, कल छुट्टी मिल जाएगी। सॉरी, मेरी वजह से ऑफिस मिस हुआ तुम्हारा। मुस्कान ने कहा, क्या बात करती हो दी? सलो दी, मैं सलती हूँ। उमंग ने कहा, क्यों रुको ना, शाम को तुम्हारे जीजू सोड़ने आएंगे, डिनर करके जाना। मुस्कान ने कहा तो उमंग रुक गई। शाम को डिनर के बाद उदय उमंग को छोड़ कर आ गया। आते हुए काफी देर हो गई उदय को। इतनी देर कैसे हुई? मुस्कान ने कहा, वो गाड़ी खराब हो गई थी रास्ते में। उदय ने कहा, अचानक से ना जाने क्यों मुस्कान के जहन में भाभी की वो बात कूद गई। नहीं नहीं, ये क्या सोच रही है वो? मुस्कान ने खुद को ही कहा। रात को उदय ने मुस्कान को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, पता है ना, तुम बिना मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता, अधूरा सा हो जाता हूँ मैं। पता ही ना, घर खाली हो जाता ही तुम्हारे बिना। कभी यूँ छोड़ कर तो नहीं जाओगी ना, मुझे वादा करो। उदय ने कहा, ये क्या सवाल है? इस सवाल में मुस्कान के चेहरे पर हंसी आ गई। तुम वादा करो, उदय ने कहा तो मुस्कान ने अपना हाथ उसके हाथों में थमा दिया। उमंग का आना जाना यूं ही लगा रहा। अब तो उमंग नहीं आती तो उदय खुद ही उसे जाकर ले आते। उमंग उस घर का हिस्सा बन गई थी। तुम उगम से सीखो कि जिंदा दिल होना किसे कहते हैं। मैं कितना कहता हूँ तुमसे, बाहर जाओ, थोड़ा लोगों से घुलो मिलो, पर नहीं। उदय ने कहा, देखो पति देव, मेरा घर संचार तो सब आप हो, और ये आपकी बाहों का घेरा ही मेरी दुनिया ही। मुस्कान ने कहा और मुस्कुरा दी। आज स्कूल से फोन आया कि मोक को लेने के लिए उसे जाना पड़ेगा। उसको कुछ सामान लेना था तो वो पहले मॉल चली गई। वहां जो उसने देखा तो उसके होश खापता हो गई। उमंग का हाथ उदय के हाथ में था और दोनों कॉफी पी रहे थे। उसका दिमाग सुन हो गया। वो भाभी की बात उसके कानों में गूंज गई। उसने देखा पार्किंग में उदय उमंग को गले से लगाया। आगे उसकी देखने की हिम्मत नहीं हुई। वो जैसे तैसे मोक को स्कूल से घर लेकर आई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने इतना बड़ा धोखा उसे दिया जा रहा है, और वो खुद ही जिससे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। शाम को उदय घर आया। उदय, आज देरी हो गई, मुस्कान ने कहा। फ्राइडे था तो मीटिंग थी, चलो इस वीकेंड सिटी से बाहर चलते ही। और हाँ, उमंग को भी फोन कर दो, चलो मैं ही करता हूँ, उदय ने कहा और फोन लेकर चला गया। मुस्कान के दिल पर हजारों सूर्या सल गई। उसके जी में जी आया कि वो बोल दे कि वो मीटिंग क्लाइंट के साथ ही थी, कि उमंग के साथ। उसे सब पता है क्या कमी थी उसके प्यार में। टूट कर साथ था उसने उदय को, और आज उदय धोखा दे गया था। उदय ने उसे उसके प्यार को वादा किया था। उदय ने साथ निभाने का तो कैसे भूल गया वो अपना वादा। उसकी बस एक ही भूल थी कि उसने उदय और उमंग पर आंख बंद कर भरोसा किया। यह सोचकर उसके आंसू ना रुके। अरे क्या हुआ, उदय ने पूछा तो मुस्कान, वो प्याज काटने की वजह से हो गया, कहा बहाना बनाकर बाथरूम में चली गई। अगले दिन उमंग आई तो मुस्कान का व्यवहार पूरा बदल गया था। बाहर जाने का प्लान कैंसिल हुआ तो उन्होंने डिनर का प्लान बनाया। मुस्कान बेमन से उनके साथ चली गई। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, वो क्या करेगी, कैसे करेगी, उदय के बिना क्या होगा उसका। एक तलाकशुदा औरत को समाज किस नजर से देखेगी, क्या वो जानती नहीं? और माँ, वो तो मरी जाएगी। भाभी ने सही कहा था, मैं ही बेवकूफ थी जो मैंने अपनी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ दी। वो खुद को ही उस दिन के लिए कोस रही थी जब उसने उमंग को अपने घर पर बुला लिया। उसके मन में आ रहा था कि उमंग के चेहरे पर एक तमाशा जड़ दे। मुस्कान कहाँ खो गई हो? वेटर पूछ रहा है, क्या लोगी तुम? उदय ने कहा, हाँ नंबर 24, उसने वेटर को कहा। मुस्कान, तुम तो शनिवार को नॉन वेज नहीं खाती ना,
उदी ने कहा, पर अब सब बदल गया है, मुस्कान ने कहा। एक दिन मैं उसकी कुशल जिंदगी में ग्रहण लग गया, कल तक कितनी खुश थी वो, जब तक उसने उन दोनों को साथ नहीं देखा था, नहीं रहेगी वो अब उदी की जिंदगी में। तभी उनकी टेबल पर कोई आकर बैठ गया, उदय ने उससे हाथ मिलाया। मुस्कान दी, आप इनसे मिलो, ये है निशांत, उमंग ने कहा। हूँ, मुस्कान ने सिर्फ इतना बोली। दी, आपको कुछ बताना था, मैं और निशांत एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर मम्मी पापा को तो आप जानती हैं, वही निशांत के पेरेंट्स भी यह नहीं चाहते थे। लेकिन कल जीजू या मेरे और निशांत के साथ आए और निशांत के पापा मम्मी से बात की तो वो मान गए, थैंक गॉड। मैं और निशांत इतने परेशान थे कि ना जाने अब क्या होगा, पर जीजू ने ना सिर्फ निशांत के पापा को बल्कि मेरे पापा को भी समझाया। यही माँ अभी भी बहुत गुच्छा है, प्लीज प्लीज यह जिम्मेदारी आपकी माँ को आप मना लो ना, उमंग ने कहा। इस एक पल में मुस्कान को लगा कि मानो किसी ने उसकी जिंदगी उसे वापस कर दी हो, उसके शरीर में एक नई जान डाल दी। क्या क्या सोच रही थी वो, ए भगवान, उसने ईश्वर को लाखों धन्यवाद दिया। उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने उमंग को गले लगा लिया। उमंग, मैं सच में तेरे लिए बहुत खुश हूँ, और तू चिंता मत कर, मैं बुआ जी से बात कर लूंगी, मुस्कान ने कहा। तो उमंग ने उसे गले लगा लिया। निशांत और उमंग को ड्रॉप कर दोनों जैसे ही घर आए, मोक नींद में था, उसे उदय ने बेड पर लिटाया और वो जैसे ही पलटा उसे मुस्कान ने कसकर गले लगा लिया। उदय ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ये बताना था कि मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ और आपके बिना मेरी जिंदगी बिल्कुल अधूरी है, मुस्कान ने कहा। पर मैं तो यही हूँ ना तुम्हारे पास, उदय ने मुस्कान के चेहरे पर आई लटों को हटाते हुए कहा। हाँ, एक पल के लिए लगा मुझसे दूर हो गए, बस ऐसे ही रहना, हमेशा मेरे पास, हमेशा मेरे साथ वादा, मुस्कान ने कहा। तो उदय ने उसे अपनी बाहों में भिस कर कहा, पक्का वाला वादा, और दोनों प्यार से एक दूसरे की आगोश में समा गए। दोस्तों, ऐसे गलत फहमियाँ कई बार होती हैं, पर मुस्कान ने इस गलत फहमी में एक गलती नहीं की, दोनों को कुछ नहीं बोला, वरना उनकी जिंदगी में क्या क्या होता वो मुस्कान खुद नहीं जानती। दोस्तों, मेरी ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।